अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश आमदीद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एक ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी बनाएंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मकंडा अलवा कैसे बनाते हैं। इसके बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मकंडी हलवा बनाने के लिए हमने एक कप सूजी लिया है और एक कप दूध इसमें डाल देंगे। वही कप आप ले रहे हैं सूजी लेने के लिए, वही कप दूध के लिए आप इन्हें सिलेक्ट करें। हम इसे मिक्स करते हैं थोड़ा थोड़ा। पहली बार कंप्लीट दूध को डालना नहीं चाहिए, बल्कि धीरे धीरे मिक्स करते जाना है। जब मिक्सिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इसे 30 मिनट के लिए डांप के रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। यह आपकी तरफ से एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होता है और एक सपोर्ट होता है। दूध के मिक्सिंग का प्रक्रिया अब मुकम्मल कंप्लीट हमने कर दिया। अब हम इसको 30 मिनट तक डांप के रखेंगे। हमारा दूसरा जो स्टेप होता है, हम इसको शुरू। फ्रेंड, हमारा अगला स्टेप, आपका घी ऐड करेंगे। आप देसी घी ऐड कर सकते हैं। एक कप चीनी डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। हम 3 अदद इलायची डाल देंगे। आंच को मीडियम में रखेंगे। फ्रेंड्स, हम चमचे को बार बार चलाएंगे ताकि ये शुगर आसानी से मेल्ट हो सके और अपना गोल्डन कलर ला सके। तो आप चमचे को चलाते रहें ताकि ये आसानी से इजीली मेल्ट हो सके। फ्रेंड्स, आज की बेहतरीन रेसिपी मकंडी हलवा दोस्तों के कहने पर हम शेयर करने जा रहे हैं। यह एक बेहतरीन रेसिपी है, इसको रेनी डे के मौके पर खासकर ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा यह शुगर मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुका है, इसमें गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। अब इसमें सूजी डाल देंगे, जो अभी हमने रखा था उसको हम डाल देंगे। सूजी ऐड करने के बाद अब हम इस स्टिक से इस पर दबाएंगे। हम इसे बार बार दबाएंगे कि ताकि ये जम ना सके। फ्रेंड्स, आपकी उस्तादी इसी में है कि आप स्टिक को बार बार चलाएं ताकि ये सूजी इसमें जम ना सकें। इसकी मुकम्मल प्रोसेसिंग 7 से 8 मिनट लगेंगे। आखिरी स्टेज से पहुंचने तक आपको इस स्टिक और चमचे को बार बार घुमाना पड़ेगा। प्रोसेस के आखिरी हिस्से तक हम इसमें नारियल के पीसेस ऐड करेंगे। एक दो मिनट आंच देने के बाद अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये ज़बरदस्त रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो ज़बरदस्त लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।